हेलो स्टूडेंट दिस इज़ पंकज जमान फैकल्टी मेंबर ऑफ एस लॉ कॉलेज श्रीगंगानगर वी आर स्टडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लोकायुक्ता तो लोकपाल को हम स्टडी कर चुके हैं अम्बर्ट्स को हम स्टडी कर चुके हैं लोकायुक्ता को हम स्टडी करेंगे देखिए लोकपाल जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की थ्रू जो अपॉइंट वहाँ पर होता है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट भी जो है वो भी जो है अपॉइंट कर सकती हैं एक ऐसा ऑफिसर जो कि पब्लिक कंप्लेंट को सुनेगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं लोकायुक्ता बोलते हैं तो सेंट्रल लेवल पे लोकपाल होता है और स्टेट लेवल पे लोकायुक्ता होता है इसका जो हम देखेंगे देखिए लोकायुक्ता इज अ स्मॉल फॉर्म ऑफ अम्बर्ट्समैन मैन अम्बर्ट्समैन को लोकपाल भी बोलते हैं इन सेंटर इन सेंटर दो अम्बर्ट्समैन हैव नॉट बीन अपॉइंटेड बट लोकायुक्ता हैव ऑरिजिनेटेड एक्ट द स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पे अभी तक जो है लोकपाल या अंबर्ट्समैन की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है अंडर द लोकायुक्त लोकपाल लोकायुक्त एक्ट ट्वेंटी थर्टीन के अंडर लेकिन लोकायुक्त की जो है अपॉइंटमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में की जा चुकी है जैसे राजस्थान में यूपी में एमपी में एपी में हिमाचल प्रदेश में बिहार में कर्नाटक में उड़ीसा में गुजरात में महाराष्ट्र में सभी जगह पे लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट की जा चुकी है दस द प्रोसीजर ऑफ इनेक्टिंग एक्ट एट द स्टेट लेवल फॉर अपॉइंटिंग एंड जूशन ऑफ द लोकयोगता यहाँ पे प्रोसीजर है आपको एक एक्ट इनेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पे लोकायुक्ता की अपॉइंटमेंट उसका जोर डिसाइड करना पड़ेगा द बिल ऑफ अम्बर्ट्समैन हैज़ बिन टेकन एज अ बेस फॉर द सच अरेंजमेंट जो बिल ऑफ अंबर्ट्समैन है जो कि हमारे पास सेंट्रल लेवल पे लोक पाल लोकयुक्ता एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन है उसके उसको जो है मेन बेस बना के जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट करनी है अरेंजमेंट करनी है अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्ता तो स्टेट लेवल पे एक्ट बना के कैसे अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त की गई है उसके बारे में पढ़ेंगे देर में बी अ लोकायुक्त एंड द उप लोकायुक्त बोथ इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त एंड द लोकायुक्त इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर विद द कंसल्टेशन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो लोकायुक्तों की अपॉइंटमेंट स्टेट लेवल पे गवर्नर करेगा आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट उस स्टेट की जो हाई कोर्ट होगी उसकी कंसल्टेशन के साथ करेगा एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लेजिस्टेटर उस स्टेट की जो विधान होगी लजिस्लेटिव असम्बली होगी और उसका जो अपोजिशन लीडर होगा उसकी कंसल्टेशन के साथ करेगा द लोकायुक्ता मे बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द कंसल्टेशन विद द लोकायुक्त तो लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर करेगा ये आपको क्लियर हो गया एनी सच पर्सन कैन बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ लोकायुक्त एंड द डिप्टी लोकायुक्त किसी भी पर्सन को लोकायुक्त या डिप्टी लोकायुक्त जो है उप लोकायुक्त जो है अपॉइंट किया जा सकता है हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट असेंबली या आप पहले पढ़ चुके हैं कि चाहे वो लोकपाल हो लोकायुक्त हो वो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए हु डज न होस्ट होल्ड द एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट वो लाभ के पद पर आसीन ना हो हु इज़ नॉट द अटैच टू एनी पॉलिटिकल वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच ना हो एंड हु इज़ नॉट इन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस उसका कोई ना व्यवसाय ट्रेड और बिजनेस कोई किसी में भी वो इन्वॉल्व ना हो इफ एनी पर्सन फेल्स इन एनी ऑफ द फॉल्स इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरी दैन देन आफ्टर बिकम द लोकायुक्त और डिप्टी लोकता ही हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम द मेबरशिप ऑफ द पोस्ट ऑफ क्लोज इज बिजनेस ऑक्यूपेशन अगर कोई ऐसा मेबर जिसकी अपॉइंटमेंट एज अ लोकायुक्त हो जाती है तो अगर वो किसी इस कैटेगरी में आता है तो उसको वहाँ से इसको रिजाइन वहाँ पे करना पड़ेगा जनरली अ पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड एज अ में लोकायुक्ता जनरली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज होता है उसको ही एज अ लोकायुक्त अपॉइंट किया जाता है टर्म ऑफ ऑफिस क्या है ये आपको पता है लोकायुक्ता डिप्टी लोकायुक्ता हो लोकपाल हो सभी का जो टर्म है अपॉइंटमेंट का वो फाइव ईयर है और बट ही कैन रिजाइन वलेंटली बिफोर द पीरियड इससे पहले ही वो कभी भी रिजाइन कर सकता है ठीक है जी तो कैन रिजाइन भी कर सकता है और लोकायुक्ता तो डिसमिस भी, भी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मिस एंड इनकम इनकम्पिटेंसी आफ्टर द रीजनल इंक्वायरी लेकिन इंक्वायरी के बाद ही किया जाएगा और इसकी इंक्वायरी जो हाईकोर्ट का जज करेगा जैसे कि लोकपाल के केसेस में सें आ, सुप्रीम कोर्ट का जज वहां पर इंक्वायरी करेगा जू क्या है तो क्षेत्राधिकार में कौन कौन से पर्सन आते हैं ज्यूजिक्शन ऑफ द लोकयता इज एक्सट्रीमली वास्ट ही हैज द जू टू इंक्वायरी अगेंस्ट द एनी मिनिस्टर सेक्रेटरी पब्लिक सर्वेंट सच इंक्वायरी इज बेस्ड ऑन द रिटन कंप्लेंट कंप्लेंट शुड कंटेन एन एफिडेविट अलॉन्ग विद कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट शुड बी दैट नो प्रोसीडिंग कुड टेक प्लेस इन द कोर्ट तो देखिए जू बहुत वाइड है ये मिनिस्टर सेक्रेटरी पब्लिक के अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट सुन सकता है इंक्वायरी जो है वो करेगा तब वो रिटर्न कंप्लेंट के बेस पे करेगा रिटर्न कंप्लेंट जो है एफिडेविट के साथ लगाई गई हो और कंप्लेंट जो है अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट हो एंड शुड बी ऐसी कंप्लेंट हो जिसकी प्रोसीडिंग जो है कोर्ट में नहीं चलाई जा सकती है बट द लोका यूता डज नॉट हैव जोजेक्शन टू इंक्वायर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग फॉलोइंग लेकिन लोका यूता जो है उसका जोजेक्शन यहाँ पर नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर ऑर्डर फॉर ऑफिशियल और पब्लिक इंक्वायरी अंडर पब्लिक सर्वेंट एक्ट 1855 तो जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ऑर्डर कर रखे हैं पब्लिक इंक्वायरी पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी एक्ट 1855 के अंडर वहाँ पे उसका जोजिक्श नहीं आता है क्योंकि उसको ऑर्डर इंक्वायरी के पहले ही गवर्नमेंट ने कर रखे हैं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखे हैं इन रिक्वेस्ट ऑफ द विच इन रिस्पेक्ट ऑफ विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर फॉर इंक्वायरी अंडर इंक्वायरी कमीशन एक्ट अगर कोई इंक्वायरी जो है इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1952 के अंडर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही ऑर्डर कर रखी है तो वहाँ पे भी वो इंक्वायरी नहीं कर सकता अगर पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी एक्ट 1855 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इंक्वायरी ऑर्डर कर रखी है तो वहाँ पर भी इंक्वायरी नहीं कर सकता सच मैटर वे इंक्वायरी बाय द लोकयुक्ता इज अगेंस्ट द पब्लिक ऐसी इंक्वायरी जहाँ पे आयुक्त की जो इंक्वायरी होगी वो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट लोक हित के जो है विरुद्ध होगी तो वहां पे वो इंक्वायरी नहीं कर पाएगा वेयर कंप्लेंट इज प्रेजेंटेड आफ्टर पासिंग अ शेड्यूल द पीरियड देखिए कंप्लेट लगाने का पीरियड पाँच साल का है पाँच साल के बाद अगर कोई कंप्लेंट लगाई जाती है तो उसको भी वो नहीं सुनेगा सच मैटर विच आर बेस्ड अपॉन द यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग जो है वो डिस्क्रिप्शनरी बेस पे है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग जो हुई है वहाँ पे उस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का डिस्क्रिशनरी पावर था तो वहाँ पे जो है लोकायुक्त जो है वो कोई भी वर्क नहीं कर सकता कोई भी इंक्वायरी वहाँ पे नहीं कर सकता उसका रिज्रक्शन वहाँ पे नहीं आता है मिश्री लाल जमवाल ओसवाल लोकायुक्त महाराष्ट्र के केस आपने बार बार पढ़ा है इट हैज़ हैजम डिसाइड बाय बॉम्बे हाई कोर्ट दैट द फंक्शन ऑफ द पब्लिक कमीशन इज टू हेयर द कंप्लेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट विच आर रिलेटेड टू द करप्शन तो लोकायुक्त का, का काम क्या होगा पब्लिक की कंप्लेंट सुनना जहाँ पे अगर करप्शन हुआ है तो पब्लिक की कंप्लेंट सुनना उसका जो है ड्यूटी है uh, कंवर पाल सिंह राठी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है इट वॉज हेल्ड बाय द इलाहाबाद हाईकोर्ट द केस ऑफ सीरियस फाइनेंशियल इेगुलेशन बाय द पब्लिक सर्वेंट कैन भी हेल्ड बायोग अगर कोई सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं किसी पब्लिक सर्वेंट के थ्रू तो उनकी कंप्लेंट को लोकायुक्त सुन सकता है लोकायुक्त हैज नो डिस्ट्रन फॉर इंक्वायरी इन द केसेज ऑफ चांसलर प्रोफेसर चांसलर और प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट जो है लोकायुक्ता जो है कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकता है ठीक है जी सिविल क्वेश्चन है अरोज फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग द जुडिक्शन लोकायुक्त विश्वेश्वर राव वर्सिस लोकायुक्त महाराष्ट्र अ क्वेश्चन अराउज वेदर लोकायुक्त ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट विच मींस दैट द वेदर जुडिशियल रिव्यू कैन बी अलाउड अगेंस्ट द लोकायुक्त ऑर्डर पॉजिटिव आंसर टू द क्वेश्चन वाज़ गिवन बाय द बॉम्बे कोर्ट तो क्वेश्चन ये उठा क्या है? के क्या लोकायुक्त का जो ऑर्डर है क्या इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है क्या इसका जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है तो महाराष्ट्र कोर्ट ने इसका जो है पॉजिटिव आंसर दिया कि येस बॉम्बे हाईकोर्ट के पास ये पावर है कि जो लोकायुक्ता का कोई भी ऑर्डर है उसके अगेंस्ट वो जुडिशियल रिव्यू ले सकता है प्रपोजल्स बाय द शिमला सेमिनार इन 1986 एट्टी शिमला सेमिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर ऑल इंडिया लोकायुक्त एंड डिप्टी लोकायुक्त फॉर सॉल्विंग द कंप्लेंट ऑफ जनरल पब्लिक एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था जिसको शिमला सेमिनार बोला जाता है जहां पे सारे लोकायुक्त और डिप्टी लोकायुक्त जो कंप्लेंट्स होते हैं पब्लिक जनरल पब्लिक की uh, उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था और सेमिनार ने क्या प्रपोज किया द लोकायुक्त एंड डिप्टी लोकायुक्त शुड बी प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उनको जो संवैधानिक दर्जा वहां पे दिया जाए फॉर्मर मिनिस्टर एंड पब्लिक सर्वेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द जजुक्शन लोकायुक्त। जितने भी फॉर्मर मिनिस्टर हैं पब्लिक सर्वेंट है वो सारे लोकायुक्ता के दायरे में आएँ द कंप्लेन्ट्स रिगार्डिंग द बैड एडमिनिस्ट्रेशन शुड भी इंक्लूडेड विद इन दिजन लोकायुक्त। अगर बैड एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे होता है उससे रिलेटेड कंप्लीट आती है तो वो भी लोकायुक्ता के जजुक्शन में डाली जाएँ ऑल स्टेट्स शुड कीप द नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एज अ लोकेत सभी स्टेट जो है इसका नाम जो है लोकायुक्ता ही रखें अलग अलग नाम ना रखें सर्विस कंडीशन और लोकायुक्त डिप्टी लोकयोगता शुड बी सेम ऑल ओवर इंडिया सभी की हर एक स्टेट में लोकायुक्तता और डिप्टी लोकल लोकाजता की जो सर्विस कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टेट जो अपने अपने तरीके से सर्विस कंडीशन ना बनाए लोकायुक्ता शुड हैव द डिस्क्रिप्शन टू फिनिश द कंपल्शन ऑफ एफिडेविट अलॉन्ग विद द कंप्लेंट लोकायुक्ता को जो ये पावर होनी चाहिए वे कदारा होनी चाहिए कि वो जो भी कंप्लेंट लगाए वो विद एफिडेविट वहाँ पर लगाए प्रोविजन ऑफ टेकिंग प्रोविजन ऑफ टेकिंग सिक्योरिटी फ्रॉम द कम्प्लेंट कंप्लेंट फॉर द कंप्लेंट शुड भी शुड नॉट बी कैप्ट कोई भी सिक्योरिटी जो है कम्प्लेट के लिए वहाँ पर ना ली जाए एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शुड भी स्टेब्लिश फॉर द लोकायुक्ता एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए जो लोकायोगता को हेल्प करे लोकायुक्ता शुड भी प्रोवाइडेड द पावर ऑफ सर्च एंड एक्विजीशन अंडर द क्रिमिनल प्रोसीज कोर लोकायुक्ता के पास पावर होनी चाहिए कि वो सर्च कर सकता है और उनको जो सर्च करने की पावर वहाँ पे है वो अंडर द क्रिमिनल प्रोसेसर कोर्ट जो है वहाँ पे होनी चाहिए लोकायुक्ता एंड डिप्टी लोकायुक्ता शुड हैव ज़िजिक्शन टू फोर्स वॉलेंट्री इन्वेस्टिगेशन लोकायुक्ता और डिप्टी लोकायुक्ता के पास ये पावर होना चाहिए ये क्षेत्राधिकार होना चाहिए कि वो फोर्स वॉलन्ट्री इन्वेस्टिगेशन को uh, एक्चुअली वॉलेंट्री इन्वेस्टिगेशन को फोर्स वहाँ पर कर सकें लोकायुक्ता शुड भी कंसिडर्ड इक्वलेंट टू द हाई कोर्ट इन रेस्पेक्ट इन टू कंटेम्प्ट और लोकायुक्ता को जो हाई कोर्ट के इक्वलेंट माना जाए अगर उसके ऑर्डर का वहाँ पर कंटेम्प्ट अगर वो अवमेलना जो है वहाँ पर होती है दस लोकायुक्ता लाइक अम्बर्ट्समैन इज़ यूनिक इंस्टीट्यूशन फॉर सॉल्विंग द कंप्लेट इसी तरीके से अम्बर्ट्समैन की तरह लोकायुक्ता भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कंप्लेट को सॉल्व करता है जो कि स्टेट लेवल पर जो है वहाँ पर वर्क करता है थैंक यू सो मच